अब आगे आप देख सकते हैं जो चंडी पुल का नजारा है वो तो देखने लायक है, यहीं से दिख रहा है। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके एक और नए व्लॉग में। तो अभी क्या है कि अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लालढांग देहरादून मार्ग पर। तो अभी हम जाने वाले हैं देहरादून, तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो ट्रैवल कर रहा है, संजय पांडे हमेशा की तरह। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ये रास्ता पूरा का पूरा लालढांग का रास्ता है और ये जंगलों के बीच से गुजरता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, किस तरह से काम चल रहा है। तो अभी मेन सीन क्या कि देहरादून जाना है, उसके बाद आगे का सीन मैं आपको बताता हूँ क्या है कैसा है। तो अभी निकल रहे हैं, अभी टाइम हो गया शाम का करीबन 4:30 हो गया है। इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग 3:30 निकलने वाले थे, अरे भाई साहब सो रहे थे, 4:30 हो गए। ऐसा तो हमेशा होता है जब भी कोई ट्रिप होता है। तो अभी हम निकल रहे हैं देहरादून जाना है, रास्ते में कुछ होगा तो आपको दिखाते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, लेट्स गो। सो यार यहाँ पर जो लालढांग रोड है वो आप देख सकते हैं कि हद तक यहाँ पर बन चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर एक काम चल रहा है, डे नाइट यहाँ पे काम चलता है, काफ़ी मतलब काफ़ी स्पीड से यहाँ पे काम चल रहा है और ये काफ़ी बढ़िया बात है। पिछली बार जब हम आए थे आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो लालढांग का, उस टाइम पे ऐसे कुछ हालात थे जैसे आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का था। तो कहीं कहीं पर रोड बन गई है और कहीं कहीं पर बननी बाकी है, देख रहे होंगे आप। हाँ उधर से भी बन रही है ना, हाँ तो कुछ इस तरीके की ये रोड है। और ये जब पूरा जंगल है आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आता है, और काफ़ी मतलब इस रास्ते से काफ़ी शॉर्ट हो जाता है हमारा जो सफ़र होता है हरिद्वार का देहरादून का, पूरा लगभग आधे से पौने घंटा हमारा बसता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूल ही धूल, कतई धूल यहाँ पे उड़ती हुई। तो दोस्तों यहाँ पे तक था थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता, और आप देख रहे होंगे मेरे सामने यहाँ पे यहाँ से शुरू हो चुका है काम, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त लालढांग की रोड, जिसकी मांग काफ़ी सालों से काफ़ी वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी, तो फाइनली बन चुकी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उतारनी तो पड़ेगी, हाँ उतारनी तो पड़ेगी मेरे भाई, वो बोलेगा मैं पहले चढ़ूँगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम बाद मैं इधर को आ रहा हूँ, सुना तो था मैंने कि रोड बन चुकी है, बट अभी इतनी खुशी मिल रही है ना ये रोड देख के कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे सिगड्डी स्रोत पे, जो स्रोत का काफ़ी जिक्र होता है, काफ़ी तबाही मचाता है ये स्रोत। आप सामने देख रहे होंगे ब्रिज बन रहा था पहले, उसके बाद बरसात शुरू हो गई, तो बरसात शुरू होने के बाद काम रुक गया था। बट अभी उनका मेन फोकस क्या है कि मेन फोकस रोड पर है, तो इसी रोड आप रोड की हालत देख सकते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं पूरा दलदल मचा रहा था, हाँ पूरा रास्ता एकदम दलदल भरा है, इतनी रेत है मैं क्या ही बताऊं। पहले सीधा सीधा रास्ता था, अभी काट के बनाया इसने, ये मिट्टी यस हाँ। तो बस यही है इस रास्ते में, हैं तो कैसा हो गया या वो जो लकड़ी वाला पुल हुआ करता था, हाँ जैसे वहाँ पे घुमाया हुआ था वैसे ही यहाँ पे घुमा दिया भाई ध्यान से। और ये देखिए झटके ही झटके लग रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बेहद इलाके में कोई जंगली जानवर ना दिख जाए, जंगली जानवर ना दिख जाए दोस्तों, क्योंकि पूरा जंगल आता है गाड़ी के अंदर, सॉरी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर। अगर हमारा सामना किसी जानवर से होता है तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सावधान इंडिया देखना है दोस्तों।
और काफी मजा आ रहा है। आई होप आप भी हमारे साथ उतना ही मजा कर रहे होंगे जितना मजा हम कर रहे हैं। पता नहीं आवाज कैसी आ रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है इस बीहड़ इलाके में। ओ माय गॉड, हाथ दर्द हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये चीजें अक्सर होती हैं अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं वन हैंड से, सॉरी एक हाथ से। वन हैंड डंबल डंबल। और ये आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में। तो यार पहुंच चुके हैं हम आधे रास्ते में, और जस्ट मेरे पास में यहाँ पर राइट में मेन जो हरिद्वार हाईवे है वो है, और हम करीबन यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। थोड़ा रुके हैं यहाँ पर करने के लिए, तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं आपको। देखो पूरा जाम लग रखा आगे तक, और सूर्यास्त भी हो चुका है। नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको हरिद्वार से वो सुंदर व्यू। अगर आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया है, काफ़ी प्यारा लगता है वहाँ पे गंगा मैया के पास से जब सूर्यास्त होता है। बट कोई बात नहीं, अभी डिसाइड ये हो रहा है कि आगे चंडी पुल पर जाया जाए या नहीं जाए, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। सोच रहे हैं कि यहाँ से चीला वाले रास्ते पर निकल जाएं, पर देखते हैं क्या होता है, कहाँ को निकलेंगे देखते हैं, जो भी होगा। पर हम निकल रहे हैं अभी चीला वाले रास्ते से। सॉरी आपको हरिद्वार के दर्शन नहीं करा पाऊँगा मैं आज, क्योंकि आगे हो ही ऐसा सीन रखा है कि क्या ही बताऊँ मैं। सोचा नहीं था कि ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। तो गाइस जो आज का दिन है वो काफ़ी ट्रैफिक भरा है। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे रायवाला पे, और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। मतलब जहाँ पर से भी गुजर रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक जाम मिल रहा है, पूरे रास्ते में ट्रैफिक जाम था। और क्या ही बोलूँगा आप देख लीजिए मेरे पीछे, हरिद्वार में जाम और यहाँ पर जाम, क्या ही बोलूँगा। अभी साथ वाला है वो पीछे है, मैं पैदल आगे आ गया था। अभी प्लान ये है कि देहरादून से मसूरी जाना है। आई होप मसूरी वाले रास्ते में ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि वहाँ पर रास्ता थोड़ा सही चाहिए। तो मिलते हैं आपको आगे, साथ वाला आ गया होगा, पेट्रोल भरवाते हैं यहाँ पर एंड देन निकलते आएंगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम अभी देहरादून से, जस्ट अभी 13 किलोमीटर पीछे यहाँ पे रुके हम। समझ रहे हैं ना किसलिए रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफी ठंडा हो रखा है, तो इसलिए बस रुके हुए थोड़ा सा। और करीबन 13 किलोमीटर यहाँ से देहरादून रह चुका है। तो अभी प्लान ये है कि अभी जाने वाले हैं पहले देहरादून, और वहाँ से जाएंगे KFC जो अपना फेवरेट है पहले से ही, और उसके बाद जाने वाले हैं मसूरी को, एंड फिर मिलते हैं आपको मसूरी जाके। अगर रास्ते में कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको दिखाऊंगा मैं, आप लोग जुड़े रहिए। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। क्या पांडे जी मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे नहीं कहना चाहेंगे, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपको आगे, चलिए। तो यार एक बार फिर से फंस चुके जाम में। तो आज का जो सफ़र शुरू हुआ था वो सफ़र शुरू हुआ था उसके बाद फिर आगे रायवाला में जाम में फंसे, एंड फिर अब फंस चुके हैं देहरादून। हम पहुंच चुके हैं बट यहाँ पे भी फिर जाम में फंस चुके हैं। पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई, मतलब जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ कोई ना कोई व्यवधान होते ही जा रहा है। और आप देख रहे हैं आगे जाम, मतलब कितना बैंक लगा। तो यार पहुँच चुके हैं फाइनली जहाँ हम हमेशा आते हैं, जब भी देहरादून आते हैं तो KFC में रुकते हैं। अब ठीक है, सो गाइस फाइनली हमने ले लिया है यहाँ पर, चिकन पैक करवा लिया है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि मेरे हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया था, जस्ट अभी फ़ोन बाल बाल बचा है। बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अगर ये सब ना हो तो यार किस बात का ट्रिप है ना। तो बस अभी निकल रहे हैं मसूरी के लिए, एंड देन आपको मिलते हैं रास्ते में। अगर कुछ होगा दिखाने लायक तो आपको दिखाएंगे, एंड देन चलते हैं यार धीरे धीरे चलते हैं। सामान ले लिया, बस वहाँ जाके रूम लेना है, एंड देन उसके बाद मिलते हैं आपको आगे, लेट्स गो। तो जी यार अभी पहुँचे मसूरी के आधे रास्ते में, और अभी जो यहाँ पे का व्यू है ना यार, यहाँ से जो देहरादून दिख रहा है वो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ मैं,
आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से देहरादून का जो व्यू दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जी यार पहुंच चुके हैं फाइनली रूम पे। सुबह से मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब पूरे दिन भर ट्रैफिक, सारा का सारा दिमाग ही खराब हो गया। इतना ट्रैफिक नहीं पहुंचे यार, मतलब ये था कि हरिद्वार से चालू हो चुका था ट्रैफिक और पूरे रास्ते में ट्रैफिक रहा है। और मसूरी में तो आप लोगों ने ट्रैफिक देखा ही होगा, मतलब किस तरह यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं। पर कोई नहीं, इस टाइम भी क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो भीड़ भी काफ़ी है, तो बस यही है। अभी रूम मिल गया, रूम ले लिया है। ये है रूम, छोटा सा दिखाता हूँ आपको। तो यार मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ, रूम कैसा है अभी इस टाइम पे। थोड़ी एनर्जी थोड़ी लो हो चुकी है क्योंकि पूरा थकान भरा ये रास्ता था, रास्ते भर में पूरा ट्रैफिक, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया था। पर कोई नहीं, एट द एंड चीज़ें सब सही हो जाती है। फ़ोन फूट गया, पूरी डिस्प्ले उड़ गई फ़ोन की। मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या हाल है फ़ोन के, तब तक आपको रूम दिखाता हूँ। रूम कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से रूम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये बेड मिल जाएगा आपको, सही है। यहाँ पे बाहर का व्यू भी होगा, यहाँ पे कुछ ठीक ठाक सा देखने में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ मिलेगा व्यू, और शायद से होगा भी इस टाइम पे व्यू। कुछ इस तरह से इस टाइम पे का व्यू है यहाँ पे रूम से, काफ़ी सही है। सुबह भी अच्छा दिखेगा और अभी भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये मैं आपका होस्ट, फुल थका हुआ, थके हाल फटे हाल, और खराब हो गया। और ये यहाँ पे वॉशरूम। सो यार अभी घूम रहे हैं हम यहाँ पे मसूरी के माल रोड में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हमने अभी अपना सामान वगैरह सब ले लिया है, खाना वगैरह। तो दोस्तों बोलो मेरे साथ, बोलो जुबां केसरी। तो चलिए बढ़ते आगे के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। सो गाइस उठ चुके हैं हम, अभी बज रहा है सुबह का कितने बजे, 9 बज चुका है। और क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कल रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही थी। तो यार अभी सीन ऐसा है कि अभी जाना है हमें टपकेश्वर महादेव मंदिर की ओर, और बाहर का जो मौसम है ना वो हमें जाने नहीं दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर मौसम इस टाइम पर है कैसा। सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी और रुकने का नाम नहीं ले रही, तो दिखाता हूँ किस तरह का मौसम है। देखिए ये देखिए, यहाँ पे एकदम कड़क मौसम हो रहा है। अब क्या ही व्यू दिख रहा है सुबह यार, और ये बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या ही बोलूँ मैं। तो यार जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक हम जा नहीं पाएंगे, और क्या ही बोलूँ मैं। तो अभी क्या है कि फटाफट से मैं फ्रेश हो लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपको, जो भी सीन होगा वो आपको बताते हैं। Till you break down.